पहुंच गए हैं ये शॉपिंग मॉल और लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे कि पेड़ बोर आ गए हैं। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेहर के जहाँ में आपका स्वागत है। तो आप लोग तो उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो मेरे चेहरे पे हल्का सा यहाँ पे टिंट नज़र आ रहा होगा, यहाँ भी नज़र आ रहा होगा। तो ये मैंने न्यूट्री फैक्टर वालों से मंगवाया था टिंट, उनका बहुत ज़बरदस्त है और नेचुरल भी है, जिसे आप हल्का सा भी इस्तेमाल कर ले और आपके चेहरे पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसका भी। मैंने उसे होठों पे भी टिंट ही मैंने हल्का सा अप्लाई किया हुआ है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। बाकी अदर्स कंपनियों के भी मिल रहे हैं, पर मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐसा जो नेचुरल ना हो और जो है थोड़ा सा केमिकल बेस हो वो मुझे सूट नहीं करता, मुझे मेडिकेटेड सामान ही सूट करते हैं। तो मैंने न्यूट्री फैक्टर वालों से मंगवाया था और उनका ही टिंट मैंने अप्लाई किया है, और जो मुझे अच्छी तरह से अप्लाई करना आया भी नहीं है। मैं ऐसे टिंट बिंदी रखते हैं ना, तो वो निशान पड़ जाता है। मैंने थोड़ा सा लिया, यहाँ पे ऐसे करके देखा था, यहाँ पे ऐसे करके देखा था, मेरा फेस जो है ना थोड़ा सा चौड़ा चौड़ा सा बना हुआ है। अगर मैं ऐसे टिंट यहाँ से अप्लाई करती ना तो फेस और भी बड़ा नज़र आता, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे हल्का सा किया यहाँ से, क्योंकि फेस थोड़ा सा पतला। मैंने न्यू पौधा लिया है अपना, मैं दिखाती हूँ रात की रानी। ये देखें, मुझे रात की रानी बहुत पसंद है क्योंकि इसमें इतनी खुशबू होती है, लेकिन डर भी लगता है कि कहीं जो है सांप ना आ जाए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ रात की रानी मेरे बड़े पापा के घर पर लगी हुई थी, तो उनके घर पर जब रोशनी पड़ रही है तब टिंट दिखाई पड़ रहा है यहाँ सब तरफ। उनके घर पे ना सांप जो है इस पेड़ के इर्द गिर्द होते थे, तो बच्चों को मैंने ये बताया हुआ था। खैर, यहाँ कराची में सांप नहीं होते, लेकिन पार्क में बहुत रात की रानी का बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ है, तो उनसे मैंने पूछा था, तो वो कह रहे थे कि यहाँ सांप आते हैं, क्यों नहीं आते हैं, इस पेड़ के इर्द गिर्द आते हैं, लेकिन पता नहीं इस खुशबू में ऐसा जादू है ना जो वो मुझे खींचता है अपनी तरफ। तो मैंने ये पेड़ अपने घर पर लगा लिया है फिलहाल सांप को ट्रैप करने के लिए। हम देखते हैं कोई घर का सांप फंसता है या बाहर का सांप फंसता है, फिर आपको कैमरे में ज़रूर दिखाएंगे। आज मैं बताया आपको इंटरेस्टिंग एक बात बताती हूँ, बड़ी मज़े की, मुझे बड़ी हंसी आई। और मैंने ना कल परसों भी सब्ज़ी बनाई हुई घर पे थी, और क्या कहते हैं कल भी मैंने सब्ज़ी बनाई थी, आज सुबह मैंने नाश्ते में भी सब्ज़ी आलू की बनाई, ठीक है। तो वो सब्ज़ी तो जब हम ले आते हैं तो फॉर्मेलिटी अदा करते हैं कि भाई अब उसे खाना है, तो फिर हमने बनानी पड़ती है। तो मैं रोज़ैन ने पूछा था परसों भी कि क्या बनाए, तो उन्होंने अपना अंडे वंडे से खा लिया। उसके बाद दोबारा दूसरे दिन पूछा, तब भी उन्होंने कुछ अदर खा लिया, क्योंकि उन्हें सब्ज़ी इतनी पसंद नहीं है रोज़ैन को। तो आज सुबह भी पूछा, मैंने बोला सब्ज़ी ही बनी है, जो बनेगा वही खाना पड़ेगा घर में। तो मुँह अपना बना के बैठ गए, मायरा ने फ्रिज खोली तो फ्रिज में रखा हुआ था पालक, तो उसने ऊपर देख के मुझसे कहा, मम्मा ये कब बनेगा। मैंने कहा ये कल बनेगा। तो रोज़ैन रो के मेरे हाथ पकड़ के कह रहा है, अम्मा बस आज आपको जो भी सब्ज़ी बनानी है, जितनी भी बनानी है, आज की डेट में आप सारी सब्ज़ियाँ बना लें घर में जो रखी है। आगे घर में सब्ज़ी मत बनाएंगे अम्मा, कुछ अच्छा बना लें, चिकन शाजलिक बना लें। मुझे इतनी हंसी आई, फिर हमने इनको पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। बस तो टिक्का पिज़्ज़ा आ चुका है, फ्लेवर टिक्का मंगाया, अफगानी नहीं मंगाया, बच्चों को अफगानी पसंद आता है, पर आज वो लोग कह रहे थे वो बहुत क्रीमी होता है, तो हमें टिक्का चाहिए, और चेहरे पे हंसी देख रहे हैं, दोनों को ही पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे भी अच्छा लगता है, और हम एक ही एक शॉप है उससे मंगवाते हैं, बाकी सब जगह का पिज़्ज़ा बिल्कुल बकवास। और कोल्ड ड्रिंक हमें इसके साथ फ्री मिली है, साथ में बहुत सारे केचप के साशे भी मिलते हैं, और ये आप अगर खा लें इतना ज़बरदस्त हो रहा है। शाम का टाइम और हम लोग पार्क आए हुए थे शाम में, पीछे देखें अभी सूरज डूब ही रहा है, यहाँ पे नज़ारा चल रहा है सूरज डूबने का। फसी का फ़ोन आया है, फसी आने वाले हैं, फिलहाल हम लोग फसी का वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें जाना है ज़रा मार्केट, आज है संडे का दिन। तो मानिया भी कहाँ गई, मैं जो है ना अपने पड़ोस में मेरी भाभी रहती हैं, तो मैं उनके साथ यहाँ पे आ जाती हूँ आजकल। मैं रात के बजाय ना सुबह के वक्त में आ रही हूँ, सुबह कह रही हूँ, दोपहर के वक्त में आ रही हूँ। अच्छा, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए ज़्यादा, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, बादाम का पेड़ जो यहाँ पे लगाया गया है ना, तो मैं उस बादाम के पेड़ को आपको दिखा रही हूँ। अब मेरी आँखों में अजीब सा शर्ट सा आ रहा है, ये है बादाम का पेड़। इंडिया में काफ़ी लोगों ने, हम लोगों ने नहीं देखा होगा कि बादाम का पेड़, और देखें ना यहाँ पे ऐसे ही, और इसमें पता वो आए हैं बौर, हम लोग बौर बोलते हैं, कल्ले भी बोले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, खैर हम तो बौर ही बोलते हैं, बौर आए हैं इसमें। ये पेड़ बौर आ गए हैं, और यहाँ बहुत सारे फ्लावर्स भी हैं, ये देख बहुत ही खूबसूरत, मेरा पसंदीदा फ्लावर, इसका क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस ट्री, ये नीचे से ऊपर तक, इसमें पूरे साइड में निकला हुआ है, लेकिन रात हो गई है तो इसलिए हमें दिख नहीं रहा।
तो फसी पार्क में ही आ गए थे, तो हम लोगों को पहले घर लेके आए, उसके बाद हम घर आने के बाद अब अपने घर से निकल रहे हैं क्योंकि मैंने पर्स नहीं लिया था, तो अभी पर्स लेके जा रही हूँ। और वापस आए तो हमें पता चला कि लाइट भी चली गई थी सोसाइटी की, और अभी शाम हो रही है, मतलब मगरिब का टाइम हो रहा है, तो अंधेरा हो गया था हल्का हल्का सा। तो अभी मैं आपको आज दिखा रही हूँ सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरिया कराची का, जिसमें हम लोग एंट्री कर चुके हैं अंदर। ये कराची का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया शुरू होता है हमारी सोसाइटी के बैक से, तो यहाँ पे आपको सब चीज़ों की वो इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी, जिसमें जो है क्या कहते हैं कप गारमेंट्स है, शान मसाले हैं, और जो है क्या कहते हैं दवाओं की है फार्मेसीज। तो पूरी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी। और इस टाइम पे रात हो गई थी और अच्छी लाइटिंग थी, बाहर तो होती है लाइटिंग, घर में लाइट चली गई थी बहुत अच्छा, 24 घंटे लाइट रहने की आदत हो तो लाइट चली जाए बड़ी घबराहट सी होती है। ये गारमेंट्स की है जितनी, ये पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक जो आपको दिखाई पड़ी है ये सब गारमेंट्स की हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। और ये देखें आप कितनी खूबसूरत बनाई हुई है, और इनके आगे इतना खूबसूरत डेकोरेशन भी उन्होंने किया है ना, छोटे छोटे पार्कों की तरह बनाए हुए, सब गारमेंट्स की चल रही हैं। इस साइड पे ना शान मसाले की है, मसालों की है इंडस्ट्रीज़, ये बनी है इधर, बनी है सब तरफ। और आगे हम चलते जाएंगे, आगे हमें फार्मेसी मिलेगी, दवाएँ जहाँ पर बनती हैं, उससे आगे फ्लिप्स की है। तो इंडस्ट्री एरिया काफ़ी खूबसूरत भी बनाया हुआ है और साफ सफाई बहुत है, रोड बहुत अच्छी बनी, बीच में यहाँ KFC भी बनाया हुआ है, तो हम लोग बस वही इंजॉय कर रहे थे। और ये रोड भी अच्छी शॉर्टकट रास्ता, जब मैं शुरुआत में आई थी तब ये यहाँ पे बन रहे थे, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बन रही थी, लेकिन अब सब मेंटेन हो चुकी हैं, बन चुकी हैं। ये भी गारमेंट्स की है, ये इंडस्ट्री भी गारमेंट्स की थी, बस ये मुझे बता रहे थे, मुझे इतना पता नहीं था। खैर मैं कराची की एक एक रोड जानती हूँ और दो तीन रास्ते जानती हूँ एक एक जगह पहुँचने के, क्योंकि फसी ने मुझे काफ़ी कुछ यहाँ पे दिखा दिया है जहाँ मैं आराम से आ जा सकती हूँ। यहाँ के खुद के लोग नहीं इतना जानते हैं लड़कियाँ जितना मैं जानती हूँ, और मैं अकेले भी बहुत काफ़ी आती जाती हूँ, आप लोग देखते ही रहते हैं कि मैं अकेले भी सफ़र करती हूँ, और माशाल्लाह से मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोग पहुँच गए हैं ये शॉपिंग मॉल, और जो है ना फर्स्ट टाइम शॉपिंग मॉल पे मैं आई भी नहीं कभी भी, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, फिर अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि हम लोग कहाँ आए। अच्छा जी, बच्चे आए हैं ना तो ये लोग बाहर ही पहले खिलौने पे रुक गए, उनके पापा ना दिलाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमेशा ये दोनों पहले टॉयज पे लटक जाएंगे, इतने टॉयज है घर में उसके बावजूद भी। और आगे हमें एक बैड न्यूज़ पता चली कि आज जो है शॉपिंग मॉल बंद था, तो हम थोड़ा पास के दूसरे वाले बिन सईद बना है एक शॉपिंग मॉल, तो उसमें चले गए थे। यहाँ भी काफ़ी अच्छे बच्चों के कपड़े थे, तो मैंने सोचा अब आए हैं तो हम ज़रा देख ही लें, कहीं और भी देख लेते हैं। तुम यही रुको, पापा गाड़ी लेके आ रहे हम लोग आए थे शॉपिंग मॉल, लेकिन इस टाइम बंद है क्योंकि पूरे कराची की लाइट गई है एक साथ, और जो है ना हम लोगों को फिर दूसरे शॉपिंग मॉल आ गए एक दूसरे इधर पीछे, तो हमने वहाँ से थोड़े से मायरा के कपड़े ख़रीद लिए, लेकिन मेरा जो है क्या कहते हैं प्लान चेंज बेकार हो गया, जो मुझे आपको दिखाना था शॉपिंग मॉल वो मैं नहीं दिखा पाई, मैं दूसरी जगह आ गई, तो इसलिए मैंने कम वीडियो यहाँ पर शूट की है और फंस गए हैं। अभी गाड़ी लेने के लिए वहाँ दूर पर गाड़ी खड़ी हुई है वो रोड क्रॉस करके ना, तो अभी गाड़ी लेके आएंगे, तब तक हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं इंतज़ार में फंसी के। मायरा ने तो बड़ा झूला हराम किया हुआ है भाई, हर वक्त मेरे पीछे लगी होती है ये लड़की, मेरा पीछा नहीं छोड़ती। फंसी आ गए गाड़ी लेके, हम लोग बस जा रहे हैं अब बैठने गाड़ी में। मायरा चलो जल्दी अब वो घर चल के मिलेगा। तो हम लोग काफ़ी देर से गाड़ी में बैठे बैठे थक गए, फंसी किसी अपने दोस्त का जो है वेट कर रहे थे, तो वो अभी उनका दोस्त आया है, उससे पहले हम लोग सामने रेस्टोरेंट बनाए वहाँ चले गए थे, रेस्टोरेंट से हमने थोड़े से पानी बताशे खाए, जगह बहुत कम थी वहाँ पे इसलिए मैंने वीडियो नहीं शूट की, और उसके बाद पानी बताशे खा के हम लोग लेके आए हैं अभी बर्गर खा लेते हैं, फिर हम घर जाते हैं, देखते हैं कि घर में लाइट आई है कि नहीं, अगर लाइट आई होगी तब तो खाना बनाना होगा, वरना फिर हम लोग ऐसे ही कुछ करते हैं ना रोजेन, फूड पांडा पे ऑर्डर कर देंगे, जैसे जोमेटो है इंडिया में वैसे यहाँ फूड पांडा है। मारा तुमको एक मिनट का सब्र नहीं है, एक पल का सब्र नहीं है, इस बच्ची को हर वक्त बेसब्री बनी होती है जैसे मैं हूँ। हम लोग ख्वार हो गए वैसे, सच्ची बात ही तो ये बताए ना रुदन,
निकले थे हम लोग अच्छी पिकनिक के लिए, लेकिन यहाँ हम लोग खौर हो गए। हम लोग 20-25-30 मिनट से किसी का इंतजार कर रहे हैं, अच्छा करने के लिए निकले। लाल लाइट सामने जल रही है, सब लाली लाली आ रही है, शेड पूरा लाल लाल। भाई चलो भाई अल्लाह अल्लाह करके हम लोग अब घर के लिए निकल पड़े हैं। कहीं भी जाओ ना फंसी के काम करने वाले पहले वहाँ हाजिर होते हैं। तो बस हम लोग निकल गए और मायरा तो इतना तंग कर देती, इतना तंग कर देती हर जगह। अब वो पीछे इतनी सीट पड़ी है लेकिन गोद में मेरे चढ़ के बैठेगी, मैं पीछे बैठ जाऊँ तो पीछे बैठेगी, आगे बैठूँ तो आगे बैठेगी। अब यहाँ ना बकवास कर रही है वो साथ में बैठ के, मैंने उसकी आवाज़ें थोड़ा कट कर दी है, पापा मुझे प्यार नहीं करते। तो हम लोग अपने साथ आइसक्रीम भी लेके आए थे और जो कि बहुत बहुत मज़े की आइसक्रीम थी। ये देखिए कितना प्यारा सा है ना मटका, इसका बड़ा मटका पिछले साल हम लोग ने बहुत सारे ख़रीदे थे, इस बार ये छोटे छोटे आए हैं और इनका इतना ज़बरदस्त टेस्ट है। इसमें कुल्फ़ी आइसक्रीम है, बहुत मज़ेदार थी, बहुत अच्छा टेस्ट था। तो हो चुकी है काफ़ी रात और बस अब सोना है हमें लेट के, और मैंने अपने चेहरे पे एलोवेरा जेल लगाया हुआ है, शाइन करता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि मैं आजकल डेली मेरा निकलना हो रहा है मार्केट में। मेरी स्किन है ऑयली और ऑयली स्किन पे पिंपल बहुत तेज़ी से होते हैं, हो भी चुके थे, जिनके दाग जाने में अभी 2-4 महीने लग जाएंगे। ये देखिए मैंने जेल लगा लिया है और मैं ना मेडिकेटेड नहीं, ना तो बाज़ार का मैंने एलोवेरा लगाया हुआ है, और मैं शुरू से ही घर के ही एलोवेरा का थोड़ा सा पल्प निकाल के गूदा पूरे चेहरे पे लगा लिया करती थी। तो अभी भी मैंने वही लगाया हुआ है जो मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है। मैं ऐसा कहूँगी जैसे कोई ना कोई जड़ी बूटियाँ होती है जिन्हें कहते हैं कि संजीवनी, जीवन देने वाली, ज़िंदगी देने वाली, तो एलोवेरा जो होता है वो भी इसी तरीके का रामबाण होता है जो इंसान की स्किन को बहुत ही ज़्यादा, मैं वो कहूँगी जैसे वो जान पैदा कर देता है आपकी स्किन, मरी हुई स्किन को फिर से रीजनरेट कर देता है वो। तो अगर आपकी स्किन भी ऑयली है तो अपनी स्किन पे एलोवेरा का इस्तेमाल ज़रूर करें, और साथ में आप कोई भी एक फेस पैक, चाहे वो मुल्तानी मिट्टी का ही हो, क्योंकि चेहरे पे कसाव पैदा करने के लिए मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बहुत ज़बरदस्त होता है, और बर्फ़ आपके चेहरे पे, बर्फ़ आपको हमेशा रिंकल से दूर रखेगी और आपको यंग रखेगी। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहें। और एक बात मुझे आज आप लोगों से ये कहनी थी कि कुछ लोग हैं जो काफ़ी बातें करते हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी बोलते हैं मुझे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, फिर दोबारा भी मैं नाम नहीं लूँगी, क्योंकि हत्ता ये मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी का भी नाम ना लूँ। तो मुझे आप लोगों के कुछ भी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वो दुनिया है जहाँ मेरे जैसे मामूली इंसान की तो कोई बिसात ही नहीं है। लोगों ने तो मरियम पर भी इल्ज़ाम तराशे, तो वो वाली बात है कि मरियम पे भी लोगों ने इल्ज़ाम तराशे हैं जिनके बारे में कुरान में साफ साफ अल्लाह ने हर चीज़ फरमा दिया, तो मेरी क्या औकात, मेरी क्या बिसात। वेरी हैप्पी, और प्लीज़ मेरी मुखालिफत में रहिए ताकि मुझे उरूज मिलता रहे और मेरे गुनाह भी कम होते रहें। बस इसी के साथ गुड नाइट, बाय बाय, लव यू।